अगले वीडियो में पापा को दिखाएंगे ना। और सरसोईया भैया घर जाएगी ना? हाँ दोस्तों, बाबू के मिसने के लिए तेल भी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं तो आप लोग की दुआ से अच्छा हूँ। और दोस्तों, अभी मेरा मतलब स्टूडियो मान लीजिए कैसा लग रहा है। और तो अभी चलते हैं हम सरसों, मतलब सरसों जो कि उसे काटना है। तो चलिए अभी काटने चलते हैं, जो कि अभी तो घर के बगल में है, लेकिन एक जगह और है, लेकिन वहाँ पर ढेर थोड़ा सा ये पहले कटा जाए, अभी पापा बुला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, जो कि अभी तो यहाँ पर सब कम है, और जहाँ खेत में जाना है बड़ा लगा हुआ है तो ढेर, तो अभी तो गर्मी बहुत तेज रही। चलिए चलते हैं, बाहर घाम है, देख सकते हैं अपना कितना लाइट मार रही है। तो दोस्तों अभी चलते हैं। और दोस्तों, सुबह से मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यार दोस्तों अभी पेपर, मतलब आज हमारा पेपर था हिंदी का, तो इसलिए नहीं गए थे, मैं वीडियो नहीं बनाए थे, नहीं गए। चलिए चलते हैं दोस्तों, ये है खेत। और दोस्तों, हम खेत में पहुंच चुके हैं और चलते हैं, काटते हैं और देखते हैं यहाँ पर हंसूगा। और अकेले नहीं दोस्तों, मम्मी आ रही है, पापा को बाजार भेज रही है, कुछ काम है, सब्जी उगाना है। तो हाँ दोस्तों, अगली वीडियो में हमें पक्का पापा को दिखाऊंगा दोस्तों, आप लोग को पक्का दिखाऊंगा। तो चलिए ऐसे ही वीडियो में रहिए, और मैं काटता हूँ अभी अभी दोस्तों, बहुत काटना है, क्यों दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं कितना काटना है अभी। और दोस्तों, मैं स्कूल गया था तो मम्मी काट दी थी, तो चलिए अभी काटता हूँ दोस्तों। अभी खेत में से आ चुके हैं, मतलब खेत तो कहा, देखिए दोस्तों यही है खेत, लोग तो नहीं था लेकिन वही है खेत। और अगले वीडियो में पापा को दिखाएंगे ना। तो पापा और मम्मी को साथ बैठा के दिखाएंगे आप लोग को कैसे, मतलब पापा से कुछ बुलवाएंगे भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सुया भैया घर जाएगी ना? हाँ दोस्तों, बाबू के मिसने के लिए तेल भी चाहिएगा। तो सरसों है जो कि जाएगा, अभी कटा गया है। हाँ वही, मतलब काटने वाला है, जो कि अब घाम में पसराएगा तो जाएगा बाबू के पास। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।